गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ SMAW इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन। तो जैसे हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड का अलग अलग डाया का इलेक्ट्रोड मार्केट में अवेलेबल है, जिनको बारे में हमें पूरी स्टडी करने के लिए उनके पैकेट में भी हम देख सकते हैं। तो आज मैं उसी का एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किसी इलेक्ट्रोड में यूज किए जाने वाला करंट और उसके उस इलेक्ट्रोड का नाम और बाकी सारी डिटेल कैसे हम पैकेट में देखते हैं, ये जो पैकेट मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं क्लोज करके जाता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सबसे पहले ये इलेक्ट्रोड एक्चुअली 7018 है जो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, E7018। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि E7018 इलेक्ट्रोड एक्चुअली SMAW इलेक्ट्रोड है, SMAW इलेक्ट्रोड है। जहाँ पर E आएगा वो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड यूज होगा, और जहाँ पर ER आएगा वो GTAW के लिए यूज होने वाला फिलर वायर कहलाएगा। अब इस इलेक्ट्रोड को डाया के हिसाब से अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको दिख रही होगी। जैसे यहाँ दिख रहा है साइज MM में, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर रिक्वायर्ड करंट एम्पियर में दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं 2.5 mm का अगर डाया का अगर आप इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसके लिए जो एम्पियर है, जो करंट आपको चाहिए वो 60 से 85 एम्पियर का चाहिए। उसी तरह 3.15 डाया का अगर इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसके लिए जो आपका एम्पियर करंट चाहिए वो है 100 से 130 एम्पियर। उसी तरह 4 mm डाया का अगर आप इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसके लिए जो एम्पियर चाहिए वो है 130 से 180 एम्पियर तक का। इसी तरह बाकी 5 mm और 6.3 mm डाया के इलेक्ट्रोड के लिए भी यहाँ पर करंट दिया गया है। ये इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा AC करंट में भी और DC करंट में भी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड में जो कोटिंग होगी इसमें आप देख सकते हैं लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड है ये, तो इसका मतलब है कि इसमें लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर की कोटिंग की गई है। और ये इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करने पर जब हम उस वेल्डिंग का एक्सरे करेंगे तो हमें एक्सरे की वो वेल्डिंग एक्सरे को क्वालिफाई कर जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरे क्वालिटी देने वाला वेल्डिंग होगा। अब इस इलेक्ट्रोड को किस एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, तो उसमें आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर टिपिकल एप्लीकेशन दी हुई हैं। आप आइए यहाँ पर देखिए टिपिकल एप्लीकेशन में क्या क्या दिख रहा है। स्ट्रक्चरल स्टील, नवल स्टील, बॉयलर प्लेट्स एंड ट्यूब्स एंड एलिमेंट फॉर वेल्डिंग स्टील्स। इस प्रकार यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का यूज किस किस एप्लीकेशन में किया जा सकता है। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड के बारे में और भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेंगी। जैसे आप नीचे जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेरी हाई स्ट्रेस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, मतलब जिस वेल्डिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है उस प्रोसेस में इस इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं, और ये जो हमें एक्सरे क्वालिटी का जॉइंट देगा। तो इस प्रकार जो हाई स्ट्रेस जो एप्लीकेशन है उसमें मुख्य रूप से प्रेशर वेसल, बॉयलर और पाइपिंग आदि आता है जो हाई प्रेशर पर काम करते हैं। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रोड को किस किस संस्था ने अप्रूव किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं पहला ऊपर अप्रूव्ड बाय लिखा हुआ है, यहाँ पर LRS, ABS, BV, DNV, IRS और NTPC, TPL, GL आदि सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें ये पता लगता है कि जिस जॉब को या जो जॉब इन किसी भी संस्था के लिए बनाया जा रहा है या इन किसी संस्था के द्वारा बनाए गए कोड के अनुसार बनाया जा रहा है, वहाँ पर इस 7018 इलेक्ट्रोड का यूज हम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक्चुअली मैन्युफैक्चरर कंपनी के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर इन अप्रूव्ड कंपनीज़ के द्वारा पास की गई है या अप्रूव की गई है तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इलेक्ट्रोड आप इन एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद
यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम दिखाई देगा और इस मैन्युफैक्चरिंग लेबल के सहायता से आप इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका इलेक्ट्रोड का डाया है, उसके बाद एम्पियर करंट है, अप्रूव्ड बॉडी है, किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाना है, ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अब एक इलेक्ट्रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये इलेक्ट्रोड है आपका E701 इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसका डाया है 4 mm। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 mm डाया के इलेक्ट्रोड के लिए कितने एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपकी यहाँ पर आप देखेंगे 4 mm डाया का इलेक्ट्रोड के लिए 130 से 180 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये इस इलेक्ट्रोड के बारे में हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोड आपका 450 mm लंबा है इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड में ये जो पोर्शन है जहाँ पर ये कोटिंग नहीं दिखाई दे रही है, इस ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर के द्वारा इस इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाएगा और बाकी पूरे पोर्शन में आपको कोटिंग दिखाई देगी। ये कोटिंग आपको दिख रही है, ये पूरी कोटिंग है यहाँ पर, ये कोटिंग लो हाइड्रोजन कोटिंग है, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका इलेक्ट्रोड होल्डर के लिए बनाया गया है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड को मेल्ड किया जाएगा तो मेल्ड करते समय हम जो मैक्सिमम लेंथ जो छोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रोड जलने के बाद जो छूटती है, वो मैक्सिमम लेंथ 50 mm छोड़ दी जाती है, जो कि मेल्ट नहीं की जा सकती है, और वो 50 mm मापा जाता है इस सरफेस से लेकर यहाँ तक। 50 mm जो भी लेंथ आएगा उसको हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ तक भी मेल्ट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर भी शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रोड के रिक्वायर्ड करंट, उसके कोटिंग के बारे में और उसका कैसा सिलेक्शन करते हैं, इनके सब के बारे में आपको जानकारी मिली है। इसी प्रकार अन्य प्रोसेस में भी अलग अलग फिलर वायर और या अलग अलग इलेक्ट्रोड की क्लासिफिकेशन और उनका एम्पियर रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है, जिसे हम उसके मैन्युफैक्चरिंग पैकेट को देखकर उसकी सहायता से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।